विश्व वेटलैंड दिवस पर शुक्रवार को उत्वा प्रखंड स्थित पंछी आश्रयणी में वन प्रमंडल जिला गंगा समिति व राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय सेमिनार सह शोध व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त सह जिला गंगा समिति के अध्यक्ष राम निवास यादव, DFO सह जिला गंगा समिति के संयोजक मनीष तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DC राम निवास ने कहा कि धरती पर मनुष्य के अलावा पशु पक्षियों व सभी जीवों को जीने का हक है। मनुष्य की बढ़ती आबादी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति व पर्यावरण का दोहन करने पर तुला हुआ है, जिससे कई पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त के कगार पर पहुंच गई हैं। इन्हें बचाने के लिए पर्यावरण व प्रकृति का संरक्षण करना जरूरी है। DFO मनीष तिवारी ने उद्भा झील और इकोसिस्टम के संरक्षण व संवर्धन के लिए वन प्रमंडल से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपायुक्त के सहयोग से पुरुलिया का झील मिला है। इस 25 एकड़ में इस बार 7 से 8 हजार पक्षी मिले हैं। ब्रह्म जमालपुर की 1000 एकड़ में 5 से 6 हजार पक्षी मिले हैं। पहले की अपेक्षा में उद्भा झील में पक्षियों की संख्या बढ़ी है। यहां पूरी तरह से झील को पक्षियों के अनुकूल बनाया गया है। उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। आने वाले दिनों में उद्भा पक्षी आश्रयणी रामसर साइट जरूर बनेगा। इसके लिए वन प्रमंडल व उसका प्रयास लगातार जारी रहेगा। बहुत बढ़ोतरी हुई है पहले की संख्या में। अगर इस बार देखें तो अभी जब सर्वे का रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा ऑलमोस्ट 300-400% की बढ़ोतरी है। जो पिछले साल वाटर बर्ड से 2 से 3 हजार थे, इस बार 10 हजार के से ज़्यादा क्रॉस किए हैं। और हमारे पास एरिया भी इसका जो है बढ़ा है। जो मैं बताया कि 25 एकड़ के लगभग का एक पुरुलिया झील है, जो कैंपा कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन के लिए जमीन जो पाकुड़ में कोयला प्रोजेक्ट आया था उसके एवज में डीसी साहब ने यहाँ हमें स्थानांतरित किया है। उस जमीन में सिर्फ उतने ही में 25 एकड़ में ही करीब करीब 5 से 6 हजार जो है विदेशी पक्षियाँ जो है वो मौजूद। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए साहिबगंज झारखंड से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।